आज हम करेंगे अपना LUT और एक्सपोर्ट टैक्सेबल। अब ये दोनों होते क्या हैं पहले ये समझ लेते हैं। LUT क्या होता है? LUT वो चीज़ वो होता है टैक्स जिसके अंदर क्या होता है, हम गवर्नमेंट को ये वो दोनों की क्या होते हैं, ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड होते हैं, ये मतलब इस देश से अलग मतलब बाहर विदेश में से रिलेटेड होते हैं दोनों। LUT में क्या होता है, हम गवर्नमेंट को इकट्ठा एक साल का एक साथ दे देते हैं, और एक्सपोर्ट टैक्सेबल में जब भी अपन एक्सपोर्ट करते हैं जब ही देना पड़ता है हमें। तो क्या होता है कि अपना जो LUT के लिए क्या किया जाता है, LUT के लिए एक साथ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट टाइप का फंड बना दिया जाता है जनरल में, जिससे क्या होता है हम मतलब साल भर का इकट्ठा पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को। और एक्सपोर्ट टैक्सेबल में क्या होता है कि हम मतलब जब भी मतलब वो करेंगे एक्सपोर्ट करेंगे, जब भी हम मतलब सेल करेंगे जब ही अपन को टैक्स देना पड़ता है। तो हम कैसे इसको यूज़ करते हैं वो आज हम देखेंगे। पार्ट वन है बना इसके अंदर GST R1 का जो रिलेटेड है एक्सपोर्ट से। तो सबसे पहले F1 F3 के अंदर जाके इनको चालू कर देंगे, इसके अंदर जाके दोनों को यस कर देंगे, और लास्ट में जाके एक LUT का वो जो चीज़ है ना LUT के लिए इसको यस कर देंगे। LUT के अंदर जाके यस LUT का एक साइन आता है प्रोवाइड LUT बॉन्ड को यस करके यस करेंगे तो यहाँ पे 15 नंबर का एक डिजिट आता है, LUT बॉन्ड नंबर 15 नंबर का आता है जो कि हमें मिलता है, वो अपन को पे करना पड़ेगा और यहाँ पे अपना फाइनेंशियली डालना पड़ता है। दोनों को ओके कर देंगे, ये ऑलरेडी मैंने कर रखा है ओके। नाउ फिर नेक्स्ट बाहर आएंगे अपन, फिर अपन सेल करेंगे। रिसेंटली मैंने जो कर रखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज मैंने पहले क्या किया था, टॉम को सेल किया था, ये आप अभी जस्ट हम पहले वो पढ़ रहे हैं हम LUT बॉन्ड क्या होता है। तो टॉम को जैसे सपोज करो मैं सेल कर रहा हूँ, नॉर्मली जो अपन करते आ रहे हैं सेल किया, टॉम को सेल कर रहा हूँ, तो टॉम को सेल कर रहा हूँ तो टॉम कौन सी कंट्री का है, टॉम को मैंने माना USA का, तो बस USA डाल के संडे डेटस USA डाल के छोड़ दिया। नाउ कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे LUT बॉन्ड मैंने डाला, LUT बॉन्ड हमेशा आता है सेल्स अकाउंट के अंदर, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करना, LUT को सेल्स अकाउंट के अंदर डाल देंगे और LUT बॉन्ड डाल देंगे जिससे पता चले ओके। नेक्स्ट उसके बाद आता है यहाँ पर, ये जब आएगा तो उसको अंदर क्या देंगे, एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड को एक्सपोर्ट LUT बॉन्ड के अंदर डाल के एस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने सेल करा उसको, मतलब 100 पीस बेचे 8000 के और कितने 800000 रुपये हुए। तो अब इसके अंदर मेरे को टैक्स देना नहीं पड़ेगा, इसके अंदर मैं टैक्स कभी शो नहीं करूंगा क्योंकि मैं इकट्ठा पेमेंट कर रहा हूं उसका साल भर का एक बार, मैं एक तरह से FD करा रहा हूं पूरी एक्सपोर्ट ओके। तो मैं यहां पर सिंपली ये हो गया, तो इसको मैं यस करके यहां पर क्या होता है शिप नंबर डेट और पोर्ट, जो पोर्ट के कोड है वो आ जाएगा। शिप बिल नंबर हमेशा 7 नंबर का होता है, पोर्ट कोड हमेशा 6 नंबर का होता है, और डेट डाल देंगे, ठीक है ये हो गया, इसको यस कर देंगे और जो भी है न्यू रेफरेंस जो अपन करते आए हैं हमेशा से वो कर देंगे ओके। यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे, सिंपली है, इसका कुछ भी नहीं होगा, इसका वहाँ जाके एक्सपोर्ट इनवॉइस में अपन वहाँ पे GST R1 में अपन मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी देर में, GST R1 के अंदर इनवॉइस एक्सपोर्ट इनवॉइस में जाके शो हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होता। और अब नाउ हम सेल कर रहे हैं विद एक्सपोर्ट टैक्सेबल, दो अलग अलग होते हैं ओके। अब एक्सपोर्ट टैक्सेबल में क्या होता है, जब भी अपन मतलब एक्सपोर्ट करते हैं तभी अपन को टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप को ले लिया मैंने, ये है ऑस्ट्रेलिया का मान लिया कोई पर्सन है, अब इसके साथ मैं वो ले रहा हूँ एक्सपोर्ट टैक्सेबल लगा रहा हूँ। एक्सपोर्ट टैक्सेबल अगेन किसके अंदर में आएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर आएगा ओके। और कुछ नहीं करना है अपन को, टैक्सेबल के अंदर है ओके, ये हमेशा इसके अंदर एक्सपोर्ट टैक्सेबल आएगा, इसके अंदर क्या आएगा एक्सपोर्ट टैक्सेबल आएगा ठीक है, एक्सपोर्ट टैक्सेबल आएगा और इसको यस कर देंगे। अगेन 125 क्वांटिटी बेच रहे हैं 8000 की, अब यहाँ पर हम टैक्स लगाएंगे, हमें पता है ये टैक्स का पेमेंट नहीं होगा लेकिन हमें इसके अंदर इसको मतलब पूरा शो करना पड़ेगा, इसके अंदर मतलब 11,80,000 यानी देखो 10,00,000 का माल बेचा, 1,80,000 इसका टैक्स है और 11,80,000 इसका अमाउंट आता है टोटल टैक्स के साथ भी इंक्लूजन ऑफ टैक्स, लेकिन हमें पता है वो टैक्स नहीं देगा, तो फिर भी एक तरह से हमें शो कराने के लिए ये दिखाना पड़ता है। और जिस टाइम हम उसको बिल देंगे तो उसके साथ एक क्रेडिट नोट शो करेंगे जिसके अंदर ये जो IGST है उसको कम करा हुआ दिखाई देगा, यानी उसको ये पता चल जाएगा कि हमें को 1,80,000 नहीं देने हैं। तो इस तरह से तो खाली एक यहाँ तक एक फॉर्मेलिटी होती है पूरी है ठीक है। IGST यूज़ किया मैंने, IGST लगा दिया इसके अंदर, पूरा हो गया वही सेम प्रोसेस, बिल नंबर डालूंगा यहाँ पे, शिपिंग और इसके अंदर टैक्स दोनों का, शिपिंग का होगा 7 नंबर का, पोर्ट कोड होगा 6 नंबर का, 6 नंबर का होता है कुछ भी डाल देंगे वो नंबर, और अप्रैल जिस दिन आपने सेल करा यहाँ आएगा, बाकी तो सेम है ठीक है। ये हो गया, एक्सेप्ट कर देंगे। अब क्या होगा, जो 1,80,000 जो टैक्स है, क्योंकि एक्सपोर्ट जब भी करते हैं तो पार्टी कभी टैक्स नहीं देती है, तो हमें उसके अकाउंट से कम करना पड़ेगा ठीक है। तो उसके लिए हमें को F11 F2 में जाके यहाँ से इस चीज़ को मतलब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट दोनों को यस करना पड़ेगा, इन सबको इस फॉर्मेट को यस करना पड़ेगा, देन अगेन इसको एक्सेप्ट करके वापस से कंट्रोल F8 में जाके
यहाँ पे क्रेडिट नोट शो होगा। अब ये क्रेडिट नोट किस लिए बनाया जाता है, जैसे सपोज करो पार्टी के अकाउंट में मेरे 11,80,000 विद टैक्स और उसको टैक्स पे नहीं करेगा, तो उस टैक्स को कम करने के लिए ये तो बताया जाएगा कि भाई तुम्हारा क्रेडिट नोट एक साथ में दिया जाता है बिल के, जिससे वो पार्टी को ये पता चलेगा कि हाँ मेरे को टैक्स देना नहीं है, ये कम करके दिया हुआ है। वो कम क्या शो करेगा, हमारा ये क्रेडिट नोट। तो हमने ये क्रेडिट नोट बनाया है, या तो हम इसको डेबिट क्रेडिट पे बना सकते हैं, जिसमें क्रेडिट होगी पार्टी और डेबिट होगा रिफंड। अब रिफंड क्या होता है, रिफंड एक ऐसा अकाउंट बनाया हमने जो कि हमारा एक तरह से करेंट असेट है। अब ये करेंट असेट क्यों है, क्योंकि ये गवर्नमेंट रिफंडेबल है होता है, गवर्नमेंट वापस इसका पेमेंट किया जाता है। तो जैसे हम प्रीमियम करते हैं, जैसे मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम होता है पहले से ही पेमेंट कर देते हैं, बाद का उसका यूज़ होता है, तो इस तरीके से ये होता है, रिफंडेबल होता है, गवर्नमेंट पेमेंट करती है। तो ये हमेशा किस में जाएगा, करेंट असेट के अंडर में जाएगा, रिफंड करंट असेट के अंदर जाएगा, पार्टी क्रेडिट होगी। या तो ऐसे कर लेते हैं, या फिर ऑल टाई करके यहाँ पार्टी आ जाएगी। जैसे ऑल टाई करता हूँ मैं इसके अंदर, सपोज जैसे क्रेडिट नोट है यहाँ पे, अगर इस मोड में करना चाहते हैं कंट्रोल भी, जैसे इस मोड में करना चाहें तो यहाँ पर पार्टी का नाम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, रिफंड आ जाएगा। तो दोनों में कहीं भी कुछ भी शो कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो अभी मैंने क्या है, डेबिट क्रेडिट का नोट किया है, या डोनाल्ड ट्रंप पार्टी आएगी क्रेडिट में और रिफंड आ जाएगा डेबिट में। रिफंड किसके अंदर में आएगा, अपना करंट असेट के अंदर में आएगा, ठीक है। ये मैंने शो कर दिया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, यहाँ तक हो गया पूरी फॉर्मेलिटीज। अब आता है पेमेंट की बारी। पेमेंट कब होता है, जब भी पार्टी को एक्सपोर्ट करते हैं उसके टैक्स का पेमेंट होता है। पेमेंट होता है नेक्स्ट अगले महीने की 11 तारीख तक, ये नहीं कि 11 तारीख तक, 11 तारीख से पहले भी कर सकते हैं। तो पेमेंट के लिए F5 जाएंगे, यानी मैं मान लो पेमेंट कर रहा हूँ, यानी रिसेंटली मैंने 7 तारीख को पेमेंट किया था, तो F2 में जाके मैंने 7 तारीख का पेमेंट शो करना है मेरे को। एक मिनट, ये पूरा फॉर्मेट आ जाता है। अब इसको कैसे करते हैं, फॉर्मेट यहाँ पे पहले इसको खोलती, मतलब जिस तारीख को तुम पेमेंट कर रहे हो, मतलब नेक्स्ट हमेशा क्या होनी चाहिए, मतलब अगले महीने की 11 तारीख तक हो रहा है, लेकिन मैं 7 तारीख को कर रहा हूँ, तो कोई ये जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर जैसे ही पेमेंट का अपना ये अकाउंट खुलेगा, वाउचर खुलेगा, तो सबसे पहले ऑल्ट एस दबाएंगे। ऑल्ट एस दबाती एक फॉर्मेट आएगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको, ऑल्ट पेमेंट में जाके ऑल्ट एस प्रेस करके ये आएगा, कौन से महीने से कौन से महीने तक का टैक्स पे कर रहे हो। यहाँ पे रिसिप्ट लाइबिलिटी शो होगी, रिसिप्ट लाइबिलिटी लेनी है यहाँ पर और इसको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में जो नॉर्मल जो पेमेंट का फॉर्मेट होता है वो अपन यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसे आउटपुट IGST से ही पेमेंट होता है हमेशा, ओके, आउटपुट IGST डेबिट होगा और क्रेडिट क्या होगा, अपना HDFC बैंक या कैश जिससे भी आप पेमेंट कर रहे हो वो चीज़ें यहाँ पे होगी। तो ये हो गया अपना, यहाँ पे पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब पेमेंट कर दिया है हमने, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो पेमेंट करा है हमने 7 तारीख को, तो इसका जो रिसिप्ट होगी वो जरूरी नहीं है कि अगले महीने आ जाए, ये कोई टाइम बाउंड नहीं है। तो इसका अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट प्रोसेस कभी भी आ सकता है। तो मैंने सपोज करा कि 6 महीने बाद आया, तो 6 महीने बाद आया तो यानी दिसंबर में आया होगा, 6 महीने में दिसंबर या फिर अपना जून कभी भी आता है, तो रिसिप्ट की क्या एंट्री होती है, रिसिप्ट में जाके एंट्री क्या होगी, क्रेडिट क्या होगा, हमने किया था क्रेडिट क्या होगा, जो पार्टी मतलब डोनाल्ड ट्रंप को सेल करा था, तो रिसिप्ट कहाँ से आ रहा है, अपना यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यानी सॉरी रिफंड ही तो आ रहा है वापस, तो यहाँ पर रिफंड क्रेडिट होगा अपना, रिफंड और रिफंड क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, कैश या बैंक जिससे भी आ रहा है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे दिसंबर का मैं बताता हूँ आपको, तो जब भी रिसिप्ट करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, रिफंड में आता है, ऑब्वियसली बात है, रिफंड में जब अमाउंट आएगा, रिफंड से तो अपन ने बनाया था पेमेंट, तो रिफंड में जब अमाउंट आएगा तो रिफंड को क्रेडिट करेंगे और डेबिट होगा कैश या बैंक, ऐसे होता है इसका पूरा प्रोसेस, ओके, ठीक है। और इसका हम शो देखा सकते हैं DOG में जाके, GST R1 में जाके, इनवॉइस में। अब यहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो मैं F2 जाके 1/4 में जाके 31/3 में जाके पूरा शो हो जाएगा। ये देखो मैंने जितनी भी सेल करी है वो सब कुछ यहाँ शो हो जाएगा। अब जैसे गाइज यहाँ पर मेरे को यहाँ पे एक मिसमैच शो हो रहा है, देखो मिसमैच किसका हो रहा है, शो मिसमैच इसलिए शो हो रहा है कि एक कंडीशन मांगते हैं इसके अंदर, एक्सपोर्ट टैक्सेबल में आ रहा है, देखो एक्सपोर्ट टैक्सेबल में डोनाल्ड ट्रंप को एक्सपोर्ट टैक्सेबल में ये देखो एंटर करो, इसमें एक कंडीशन होती है बार बार मांगता है, यहाँ पर जाके बेस्ड ऑन वैल्यू चूज करोगे तो ये हट जाएगा, देखना बेस्ड ऑन वैल्यू चूज करना पड़ता है। अभी देखो अभी यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, और मैं बताऊँ आपको, क्योंकि जो LUT का जो टैक्स होता है और जो एक्सपोर्ट का टैक्स, वो कहीं पर भी इसमें हटाया नहीं जाता। देखो अब भी टैक्स लग रहा है, मैंने टैक्स पेमेंट कर दिया फिर भी,
तो ये एक प्रोसेस होता है इसके अंदर, टैक्स हम पेमेंट कर देते हैं तो भी, देखो मैं टैक्स का पेमेंट कर देते तो भी यहाँ शो हो रहा है, तो ये कुछ प्रोसेस होता है इसका, यहाँ पर टैक्स का कोई रेलिवेंट नहीं होता, इसलिए नॉट रेलिवेंट में तीन एंट्री आ रही है, पहला टैक्स लगाया पेमेंट किया उसकी एंट्री, देखो नॉट रेलिवेंट है, इसको एप्लीकेबल नहीं मानता है, तो इसलिए यहाँ पर ये तीन एंट्रियाँ आ रही हैं, तो इसका कोई वो नहीं है खासा, बाकी यहाँ पे शो हो रहा है देखो नॉट रेलिवेंट फॉर रिटर्न के लिए कोई रेलिवेंट नहीं है, तो इस टाइप की होगी, मैंने सारा कन्फ्यूजन हो गया अपना कम्प्लीट। तो ये था हमारा पार्ट वन, इसमें हमारा जो LUT और एक्सपोर्ट टैक्स पल दोनों के ऊपर डिस्कशन किया, सो ऑल ऑफ यू थैंक यू।